यहाँ पर देख सकते हो पतली पतली सड़कें बनी हुई हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल देवांगन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके जाने वाला हूँ आप लोग को भरदा बगीचा, जो कि दुर्ग के पास में है और यह शिवनाथ नदी के नज़दीक ही है और वहाँ पर पिकनिक स्पॉट है। तो किस तरह है पिकनिक स्पॉट आप लोग को मैं पूरा बतलाऊँगा और साथ में कैसे जाना है वो भी आप लोग को मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। जो सामने जो देख रहे हैं ये रहा अपना पुलगांव वाला चौक है। इस साइड देखते हैं तो आपको पड़ेगा दुर्ग जाने के लिए, और लेफ्ट अगर लेते हैं इस साइड से तो आपको पड़ेगा राजनांदगांव जिला। इस साइड चलना है अपने बालोद वाले रास्ते, सामने है अंडा, उसके पहले अपने को राइट मोड़ना है कुनारी से और लेफ्ट में पड़ेगा आप लोग को चनखुरी। तो ये है अपना पुलगांव कपड़ा मार्केट, यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को कपड़े मिल जाएगा अच्छे अच्छे दामों में। ये रहा चनखुरी, लोग पहुँच चुके हैं और इसके बाद अपने को चलना है आगे, और आगे कोनारी है, कोनारी से होते हुए अपने को राइट लेना है। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं कोनारी और देख सकते हो सामने ये रहा कोनारी का एरिया, और इस साइड देखिए पीछे ये बालोद वाला रोड है और जो पीछे आप लोग देख रहे हो ये कुनारी से होते हुए अपने को जाना है भरदा बगीचा के लिए। पीछे देखिए ये दुर्ग वाला रास्ता है और पीछे में पुलगांव चौक है जहाँ से आप लोग को आना पड़ेगा। बीच में आप लोग को कोलियापुरी और चनपुरी भी पड़ेगा। तो फाइनली अपन पहुंच ही गए हैं भरदा गांव। यहां से करीब पड़ने वाला है, करीब 1-2 किलोमीटर आप लोग को पड़ने वाला है। जो सामने जो दिख रहा है ये गांव है अपना भरदा गांव, यहीं से आए हुए हैं। ये जो रास्ता जा रहा है राइट के लिए ये अपना जा रहा है निकुम, देख सकते हो सामने हम लोग राइट लिए हुए हैं। तो अपने को जाना है भरदा, जिस बगीचा के बारे में आप लोग को बता रहा था, और सामने देखिए यहाँ पर लगा हुआ है पोस्टर, और चलते हैं। और यहाँ का जो रोड दिख रहा है थोड़ा सा खराब है, देखते हैं कितना किलोमीटर खराब है। तो ये रहा शिवनाथ नदी, यहाँ पे दो नदियों का संगम है, यहाँ पर शिवनाथ नदी और तांदुला नदी का संगम है। देखिए यहाँ का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसे ही भरदा गांव से आगे आएंगे बगीचा के लिए तो यहां पर करीब 1-2 किलोमीटर अपना रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और जो सामने देख रहे हो ये रहा बगीचा। चलिए अंदर चलते हैं फिर। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहां पर भरदा बगीचा में। ये पिकनिक स्पॉट भी है, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लोग अगर आते हो तो आप दुर्ग से अगर आते हो तो आप लोग को पड़ेगा चनखुरी, चनखुरी से पड़ेगा कुनारी, कुनारी से आप लोग को राइट लेना है जो कि भरदा बगीचा के लिए आता है।
घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हो। और जो यहाँ का आने का जो बेस्ट समय है नवंबर से लेके फरवरी तक का है, बाकी टाइम में आ सकते हो घूमने के लिए, जैसे कि मार्च महीने से लेके मई जून तक के आ सकते हो। बारिश के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। चलिए मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। तो सामने देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर 8 से 10 गाड़ी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर सब पिकनिक मनाने के लिए ख़ास तौर पर आए हुए हैं। यह पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है, फैमिलियों के लिए तो अच्छी जगह है। और यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ पूरा यहाँ का एरिया। तो इस तरह से है यहाँ का नज़ारा, आप लोग देखिए। और यहाँ पर पेड़ पौधे की अगर बात करें तो पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, और आसपास में देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैमिली आए हुए हैं अपने टीम के साथ, और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में सब खाने पीने के लिए सब चीज़ें लाए हुए हैं। तो देखिए साइड देख सकते हो, ये नदी है, ये शिवनाथ नदी है, यहाँ पर दो नदियों का संगम भी है। पहले मैं आप लोग को यहाँ का जो गार्डन एरिया है और पिकनिक स्पॉट एरिया है पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आप लोग को मैं नदी का एरिया भी आप लोग को दिखलाऊंगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ सिर्फ गार्डन है, मतलब पिकनिक स्पॉट है, इंजॉय करने के लिए आप लोग आ सकते हो, सुबह से शाम तक का टाइमिंग है। यहाँ पर सामने मंदिर नज़र आ रहा है, यहाँ पर कौन सा भगवान स्थापित किए हुए हैं, चलते हैं सामने और आप लोग को दिखलाते हैं। तो यहाँ मंदिर तो बंद ही है, यहाँ पर कृष्ण राधा जी का मंदिर है, और ये रहा सामने हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। चलिए मैं आप लोग को नज़दीक लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक और मंदिर नज़र आ रहा है, शिव जी का मंदिर, लेकिन यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है तो अंदर तो नहीं जा पाएंगे। चलिए दूसरे साइड चलते हैं और आप लोग को मैं दिखलाता हूँ। तो ये शिव मंदिर के पीछे का नज़ारा है, और यहाँ पर देखिए झाड़ी जंगल बहुत है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ भवन बनाए हुए हैं जो कि ठहरने वहरने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो सब ताला लगा हुआ है। और इस साइड देखिए सामने फैमिली आए हुए हैं जो कि खाना पीना बना रहे हैं, और आप लोग एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो चलते हैं आगे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और यहाँ पर देख सकते हो पतली पतली सड़कें बनी हुई हैं।
यहाँ पर दो नदियों का संगम है, तांदुला नदी और शिवनार नदी का संगम है, और जो संगम स्थल है इस साइड है। चलिए मैं नीचे जाकर आप लोग को दिखलाता हूँ। तो ये रहा संगम स्थल, ये वाला जो दिख रहा है ये अपना तांदुला वाला नदी है, और ये जो अपना आया है शिवनार नदी। तो इस तरह से बनाया गया बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और देखिए यहाँ पर नाव है, जो कि यहाँ से मछुआरे लोग इस नाव का उपयोग करके आगे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। और यहाँ पर फैमिली आए हुए हैं जो कि खाना वाना बना रहे हैं, जो कि अभी बर्तन धो रहा है। तो इस तरह से हैं देखिए यहाँ का नज़ारा। तो देखिए सामने ये पूरा शिवनार नदी है, और यहाँ पर देखिए सामने पुल बना हुआ है, और यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पूरा ये पिकनिक स्पॉट एरिया है, यहाँ से पूरा चालू होता है, तो ये पूरा पिकनिक स्पॉट एरिया है इस साइड। और मैं गया था इस साइड आप लोग को दिखलाने के लिए भरदा बगीचा, तो यहाँ भरदा बगीचा का ये नज़ारा है। और अभी नदी में बहुत ज़्यादा पानी भी भरा हुआ है देखिए। इस साइड देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और सामने ये अपना भरदा गांव है, और इस साइड अपने को चलना है अंडा, और ये जो मार्ग जा रहा है ये अपना निकुम के लिए जा रहा है। तो यह बगीचा का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।